हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ। आपको इस चार्ट पेपर पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं जादू। मैं इस चार्ट पेपर को यहाँ पर लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक जादुई पानी का लेप लगाने वाली हूँ। ये है मेरा जादुई पानी। चलिए इसका लेप लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, इस पे तो कुछ डिजाइनें उभर कर आ रही हैं। अरे वाह, देखो बच्चों, पहले चार्ट पेपर पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसमें जादुई पानी लगाया, इसमें कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लग गई। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जादू नहीं बल्कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस सारी अभिक्रिया को हम और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना होगा, साथ ही तनु क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, साथ ही लेंगे फिनॉप्थलिन इंडिकेटर। बच्चों, ये फिनॉप्थलिन इंडिकेटर एक रासायनिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है यह गुलाबी रंग देता है। मैं इसके लिए सबसे पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में फिनॉप्थलिन इंडिकेटर की दो बूंदें डालती हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं यह विलयन अभी भी रंगहीन है। बच्चों, एक बात बताऊँ, कभी भी हमें रंग देखने के लिए पीछे सरफेस सफ़ेद रखनी चाहिए। तो मैं पहले इस पेपर को हटाकर यहाँ पर एक सफ़ेद सरफेस बना लेती हूँ। ठीक, चलिए अब हम इसमें और NaOH विलयन डालते हैं और देखते हैं। देखिए, हम इसमें NaOH डालते जा रहे हैं और यहाँ पर क्रिया होती जा रही है। यहाँ पर अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो रही है। देखिए, विलयन गुलाबी हो गया। बच्चों, तो आपने देखा कि जब मैंने अम्ल के विलयन में फिनॉप्थलिन की कुछ बूंदें डाली तब विलयन रंगहीन था, और जैसे ही मैंने उसमें NaOH विलयन मिलाना शुरू किया वहाँ पर क्रिया होने लगी, यानी कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हुई तथा लवण और जल बना। जैसे जैसे सारे अम्ल के अणुओं ने क्षार के अणुओं से क्रिया करके लवण और जल बना दिया तो विलयन उदासीन हो गया। अब इस उदासीन विलयन के पश्चात जैसे ही मैंने अंतिम बूंदें NaOH की डाली, गुलाबी रंग आ गया। इसका मतलब कि विलयन पूरी तरह से उदासीन होने के पश्चात जैसे ही हम क्षार की एक बूंद डालते हैं, विलयन क्षारी हो जाता है और इसलिए विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं।